फैसलाबाद के मरकजी मुलजिम की बेटी को भरपूर तगड़ो के बाद आखिरकार गिरफ्तार कर ही लिया गया। पाकिस्तान की अवाम सोशल मीडिया पर गिरफ्तारी का मुतालबा कर रही थी, जो मरकजी मुलजिम के सरपरस्तों के रद्द अमल की परवाह किए बगैर पूरा किया गया। फैसलाबाद पुलिस ने खातून पर तशद्दुद और तजलील करने वाले 6 मुलजिमान समेत उस खातून मुलजिमा को भी कल ही गिरफ्तार कर लिया था। CPO फैसलाबाद ने इस केस की तफ्तीश के लिए खसूसी टीम तैनात की है। इस अफसोसनाक वाकया में मुलविस मुलजिमान को कड़ी सजा दिलवाई जाएगी। फैसलाबाद सिटी पुलिस ऑफिसर उमर सईद मलिक की हिदायत पर यूनिवर्सिटी टाउन सरगोधा रोड जिला फैसलाबाद की रिहायशी मेडिकल की तालबा को ज्यादती और तशद्दुद का निशाना बनाने वाले बेस्ट एक्सपोर्ट के मालिक शेख दानिश समेत 6 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजिमान में शेख दानिश, माहम खान मोहम्मद, शुएब फैजान और असगर शामिल। पुलिस पार्टी ने जदीद ज़राए बुरे कार लाते हुए मुलजिमान को गिरफ्तार किया। CPO मुलजिमान को कानून के मुताबिक सजा दिलवाई जाएगी। सिटी पुलिस ऑफिसर उमर सईद मलिक ने मिल मालिक के हाथों ज्यादती का निशाना बनने वाली मेडिकल की तालबा के मामले का नोटिस लेते हुए मिल मालिक और उसकी बेटी समेत 16 मुलजिमान के खिलाफ मुख्तलिफ दफात के तहत थाना वुमन में मुकदमा दर्ज करवाकर मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए SP मदीना डिवीजन को अहकाम जारी किए। स्पेशल टीमों ने मुलजमान की गिरफ्तारी के छापे शुरू कर दिए। मुलजमान को गिरफ्तार करके सख्त सजा दिलवाई जाएगी। खवातीन की इज्जत और हकूक का तहफ्फुज हमारी अवलीन तरजीह है। CPO उमर सईद मलिक मेडिकल की तालबा को शादी से इनकार पर अगवा के बाद ज्यादती का निशाना बनाते हुए जूते चटवाने वाले मिल मालिक शेख दानिश के घर में छापे के दौरान पुलिस ने शराब की 50 से ज़ायद आला क्वालिटी की बोतलें, असलाह, मोबाइल फ़ोन समेत दीगर सामान कब्जा में ले लिया। बरामद होने वाली शराब और असलाह के मुकदमात भी दर्ज किए जा रहे हैं।